अच्छा रजीब भाई, आज बाबर वर्सेस शाहीन था, शाहीन केम आउट एज विक्टोरियस इस मैच में, आप कैसे देखते हैं आज शाहीन की परफॉर्मेंस को ओवरऑल? देखिए ओवरऑल देखा जाए ना, ये लाहौर में मैचेस हो रहे हैं, मौसम थोड़ा सा ठंडा है और पिच काफ़ी फर्म बना हुआ है और मूवमेंट रही है, नए बॉल को हेल्प मिली है, अब उनको लाहौर कंदर के बॉलर को मिली है और उनको भी दूसरी टीम को मिली है, तो शाहीन ने जिस तरह बॉलिंग की है और स्टैंडिंग की है और ये पिच इतना अच्छा लग रहा था जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है, क्योंकि बॉल ये आपकी तरफ आ रहा था, इवन के बॉल हेलमेट को भी हिट कर रहा था, तो ये पिच होती है T20 की, इस तरह की पिचेस बनेंगी तो पाकिस्तान की क्रिकेट डेफिनेटली इंप्रूवमेंट की तरफ जाएगी, क्योंकि हम जब नेट प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ डेड पिचेस होती हैं, तो जब मैच में आते हैं, जब हम ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड या न्यूजीलैंड जाते हैं, वहाँ पर डिफरेंट पिचेस होती हैं, तो ये ऐसी पिचेस होनी चाहिए। अच्छा, हमें जाना है बेस्ट बैट्समैन सोल सिटी देखने के लिए इस वक्त, उससे पहले मैं से सवाल पूछूंगा कि कराची की उम्मीदें जाग गई हैं टूर्नामेंट में दोबारा से, ऐसा लगता है यासिर भाई? जी बिल्कुल लगता है, कमबैक, मैंने तो प्रेडिक्शन की भी है कि वो फाइनल खेलेगी इंशाल्लाह। जी इंशाल। मरियम आपको क्या लगता है कराची? नहीं मतलब इतना बिलो एवरेज क्यों है इतना बुक्स क्यों है इतना बुक्स बिलो एवरेज स्कोर करके कैसे उम्मीदें जाग गई भाई? अच्छा परफॉर्मेंस दिया बॉलिंग में, दिखाओ।